जय हिंद बच्चों, अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है एपी के बेसिक चीजों के बारे में आपको सब कुछ बताया था, फर्स्ट टू लेकर लास्ट तक, फिफ्थ चैप्टर। आज हम उसी एपी के बारे में कुछ तीन क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। ये तीनों क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या बेसिक चीज है, कैसे आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, क्या तरीका होगा सॉल्व करने का, उस पर आज हम बात करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, आपके पास में तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक एपी दे रखी है 2712 का दसवां पद आपको निकालना है, दसवां पद ज्ञात कीजिए, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द एपी 2712। या फिर सेकंड क्वेश्चन है कि 21, 18, 15 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद जीरो भी है, शून्य भी है। Which term of the AP 21, 18, 15 is -81? Also, is any term zero? उसके बाद दो अंकों वाली कितनी संख्या है, तीन से विभाज्य है। How many two digit number are divisible by 3? देखिए, तीन questions है। सबसे पहले तो आपको AP दे रखी है, आपको समझना है कि आपको कोई भी AP दे रखी है तो आपके पास में A बराबर क्या हो गया, 2। देखिए बेटा, पहला जो term होता है, first term is 2, पहला term ही A होता है। उसके बाद में आपके पास में D निकालना है। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि आप जो इससे पहले वाली उसके अंदर में A2 - A1 करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक बाद वाली से पहले वाली माइनस करेंगे तो आपके पास में डी आ जाएगा। तो 7 में से 2 गया तो 5 बच गया आपके पास में। एक और बार ट्राई करते हैं कि 12 में से 7 गया तो आपके पास फिर 5 बच गया, यानी कि डी आपका कंफर्म हो गया, 5 है। उसके बाद में आपको एन बोल रहा है कौन सा पद, सॉरी दसवां पद आपको निकालना है, यानी कि एन बराबर टोटल पदों की संख्या एन, यानी कि 10 आ गया। अब दसवां पद आपको निकालना है, मैंने बताया था nth टर्म, यानी कि दसवां पद या अंतिम पद, है ना, इस तरीके से हम नाम लेते हैं किसको, an को। तो an हमें नहीं पता, हमें निकालना है, यानी कि an ना लिखकर मैं इसको लिखूंगा, a10 हमें नहीं पता, हम निकालना है। देखिए फॉर्मूला है आपका, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। एक बात बच्चों मैं आपको बोलूंगा, जितनी भी आप प्रैक्टिस करें हर क्वेश्चन के अंदर में बार बार फॉर्मूले को जरूर लिखें, अपनी कॉपी के अंदर भी, रफ कॉपी में भी आप जब ट्राई करते हैं बार बार फॉर्मूले को लिखें, बार बार फॉर्मूले को लिखें, ताकि आपको फॉर्मूला बिल्कुल आपके हाथ में बिल्कुल ऐसे बैठ जाए कि आपको दिमाग में भी ना हो तो हाथ में हो। इस तरह से an आपको निकालना है, a 10 मैंने लिख दिया, a की जगह 2 लिख दिया, प्लस n की जगह मैंने लिखा 10 माइनस 1, और d की जगह मैंने क्या लिखा, 5। बस सवाल हो गया 2 + 9, 9 × 5 और आपके पास में हो गया 2 + 9 = 45, आपका आंसर हो गया 47 इज योर आंसर। बस क्वेश्चन कितना इजी था, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक भी बोला कौन सा पद -81 है, हमने बोल दिया कि nth जो पद है इसका, nth जो टर्म है इसकी, वो -81 है, -81 है। देखिए कैसे, a बराबर आपके पास में आ गया 21, d बराबर आपको पता है 18 - 21 क्या आएगा, -3 आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है, और कभी भी माइनस प्लस जब भी फाइट करते हैं, जमा घटा हो रहा हो कुछ भी संख्या में तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 21 में से 18 गया तो 3 बचा। अब क्योंकि जो 21 की संख्या बड़ी है उसके आगे माइनस का निशान, इसलिए माइनस का लगा दिया। अब देखिए एन हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता कौन सा पद -81, बट हमें an दे रखा है, हमें दे रखा है an -81। अब हमें फॉर्मूला हमें पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। देखिए अभी तक टोटल करने वाली कोई बात ही नहीं है, तो ऐसा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यही वाले फॉर्मूला लगेंगे। an की जगह हम लिख देंगे -81 और बराबर में क्या आ जाएगा, a की जगह हम क्या लिखेंगे 21, उसके बाद में प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, और d की जगह हम क्या लिख देंगे -3। अब हमारे पास में हो गया -81, और ये 21 इधर ले आते हैं, इसको भी माइनस का कर देंगे, बराबर 3 को माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 = 3। अब 3 को भी इधर ले आएंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 21 और 1 = 2, 8 और 2 = 10, 102, और माइनस 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 की संख्या, ध्यान दीजिएगा दोनों माइनस माइनस की संख्याएं हैं, जुड़ेंगी निशान माइनस का आएगा, ठीक है। उसके बाद इस 3 को भी मैं यहां ले आता हूं, माइनस का 3 आ गया हमारे पास में, बराबर में माइनस का 3n, और इसको माइनस इसको करेंगे तो -105, ये भी सेम ऊपर की तरह जुड़ जाएगा, और बटे में ये वाला 3, माइनस का 3 इधर, और बराबर में n आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 15, n का मान आपके पास में आ गया 35। तो आपको पता लग गया कि कौन सा पद 81 है, विच टर्म, 35th टर्म जो है इसकी -81 होगी। बोल रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई पद का जीरो भी है, तो हम बोल देंगे हाँ है। हमने बोला माना कि कोई एक पद है, यानी कि an कोई है जो कि जीरो है, हमें नहीं पता कौन सा पद है, हमने मान लिया कि an जीरो है, कोई पद जीरो है इसका, कोई पद हमने वो भी मान लिया, जैसे 81 दे रखा था वैसे जीरो भी दे रखा है एक तरीके से। तो हमने बस इसी तरीके से फॉर्मूले में रखना है कि जीरो बराबर 21 प्लस n की जगह अब हम 35 लिख सकते हैं, देखिए है ना, -1, और d की जगह हम क्या लिखेंगे -3।
बस हो गया 21 प्लस और 34 और माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 21 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौका 12, माइनस प्लस माइनस 3 चौक 12 का 2 आंसर आया 1, 3 3 9 और 1 10, और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 21 को इससे माइनस किया तो यह हो गया 100 और इसमें से 20 माइनस किया हमारे पास बच गया 81 बच गया, ठीक है। तो हमारे पास में 81 आ गया आंसर, 81 जो है 81वां पद जो होगा वो हमारा जीरो आएगा, ठीक है। 81st जो टर्म, एक बात और बता दूं मैं आपको, n कभी भी याद रखिएगा, n हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी कि आपकी चाहे आप नेगेटिव चल रहे हो चाहे आप पॉजिटिव चल रहे हो आप आगे ही बढ़ते हैं, यानी कि आपका प्लस में आएगा, n हमेशा प्लस में आएगा माइनस में कभी नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, ये पेपरों में आने वाले क्वेश्चन है दोस्त, बोल रहा है दो अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, कह रहे हैं कि दो अंकों वाली कितनी संख्या, दो अंकों वाली संख्या आपको समझनी है, अंक किसे बोलते हैं डिजिट, मान लीजिए 3, 5, 6, 0 ये चार अंकों की एक संख्या है, इसी तरीके से दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या 99 होती है 99, तो दो अंकों की 3 से जो भाग हो रही है उनके बारे में बात करना है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर होगी जो 3 से, दो अंकों की सबसे छोटी 10, मगर 3 से जो संख्या होगी तो हम उसे बोलेंगे कि वो सबसे छोटी संख्या होती है 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21 और इसी तरीके से चलते रहेंगे, आप अगर 99 को भाग कर देखेंगे तो वो भी 3 से भाग हो जाएगा, आप कर देखिएगा। मैंने 10 क्यों नहीं लिखा बेटा, 10 और 11 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो 3 से भाग नहीं होता, 12 सबसे पहले, 12 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 3 से भाग हो जाती है, वो भी दो अंकों की है, ये हमारे पास में एक एपी बन गई, तो मैं बोल दूंगा ये एक एपी है। अब मैं इसके अंदर निकाल दूंगा कि ये इसमें मुझे सिंपल है कि एन निकालना है, तो मेरे पास में क्वेश्चन आ गया कि ए बराबर 12 और डी बराबर 15 माइनस 12 यानी कि 3, और एन हमें पता नहीं है, एन हमें पता है लास्ट टर्म 99 है और एन हमें पता नहीं है, तो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे इसमें, इस क्वेश्चन को फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 99 यहां आ जाएगा इज इक्वल टू ए, ए इज 12 प्लस एन की जगह एन ही रखना है माइनस 1 और डी की जगह 99। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे, बस यही ये हमारा एक बेसिक जो मैंने आपको बताया, जिस जो अभी एग्जाम्स टाइम के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके अंदर SN के बारे में बात करेंगे हम। थैंक यू सो मच, इतनी छोटी सी वीडियो आपको पूरा ये जो समांतर श्रेणी मैथमेटिक प्रोग्रेशन है आपको समझा दिया, उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट टर्म में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।